डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर मानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर मानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी है। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल कियानी को भी जो सेल तक रसाई हासिल रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियाँ करते भी देखा गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बगैर इजाज़त शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई की सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को खबर अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते भी देखा गया था। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी है। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल कियानी को भी जो सेल तक रसाई हासिल रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियाँ करते भी देखा गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बगैर इजाज़त शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई की सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरे अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते भी देखा गया था। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी है। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल कियानी को भी जो सेल तक रसाई हासिल रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियाँ करते भी देखा गया था। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बगैर इजाज़त शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम बाजवा पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम है। हसास इदारों की जानिब से आईजी जेल खानाजात पंजाब को आगाह कर दिया गया। अकरम बाजवा को कुछ रोज़ कबल ही ओहदे से हटाया गया। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछगछ शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी पीटीआई की सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरे अदालत में दौरान समात बानी पीटीआई से सरगोशियां करते भी देखा गया था।